आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर टू फॉर 8th B इन साइंस. टॉपिक इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इससे पहले हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड के रूप में हमने स्टडी की थी. आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फोई अर्थात शत्रु के रूप में क्या रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. शत्रुओं के रूप में यानी फोई के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है वो हार्मफुल इफेक्ट होता है. देखिए पहला टॉपिक है पैथोजन. ऐसे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज का कॉज होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं. चाहे वो बैक्टीरिया है इसमें, चाहे वो फंगस है, चाहे वायरस है, सारे के सारे पैथोजन है क्योंकि ये सभी हमको बीमार करते हैं है? तो पैथोजन है बच्चों. नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. क्योंकि बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, वो ह्यूमन में भी करते हैं, प्लांट में भी करते हैं है? और दूसरे एनिमल्स में भी करते हैं. तो सबसे पहले ह्यूमंस में कौन कौन से रोग फैलाते हैं इस बात की स्टडी करेंगे. तो डिजीज जो है वो दो टाइप की होती है. एक तो कॉन्टेगियस जो स्पर्श से छूने से हो जाती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज जो इन्फेक्शन के थ्रू होती है, जैसे वाटर के थ्रू हो गया या एयर के थ्रू हो गया है इधर ऐसे. तो अब कॉम्युनिकेबल डिजीज क्या है. द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स इज कॉल्ड कॉम्युनिकेबल डिजीज. जैसे एक ट्यूबरक्लोसिस डिजीज हो गई जो बैक्टीरियल डिजीज है, वो कॉम्युनिकेबल डिजीज है क्योंकि एक व्यक्ति से, एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने के उसके पूरे चांस होते हैं. तो ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं, कॉम्युनिकेबल डिजीज. हिंदी में इसको संचरणीय रोग कहा जाता है बच्चों. अब डिजीज कैरियर, डिजीज कैरियर रोग वाहक, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो डिजीज कैरिंग का काम करते हैं. जैसे बस का क्या काम होता है, एक जगह से पैसेंजर लेकर के दूसरी जगह उनको छोड़ना. ऐसे ही कुछ ऐसे हमारे यानी कि ऐसे कारक होते हैं कैरियर, जैसे फ्लाइज है, हाउस फ्लाइज है. तो ये क्या है, हाउस फ्लाई का जो बॉडी होता है वो ये रोए रोए होते हैं यहां पर, एक तरह से बहुत छोटे छोटे एक तरह से इनके लेग्स हेयर टाइप की संरचनाएं होती हैं जिनसे पैथोजन स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. जब ये खुले हुए फूड आइटम पर शिट करती हैं, बैठती हैं, तो वो पैथोजन इस फूड आइटम में एंटर कर जाते हैं. जब वो फूड आइटम को जब हम यूज करते हैं तो वो पैथोजन हमारे बॉडी में जाकर के हमको बीमार कर देते हैं अर्थात हमारे अंदर डिजीज पैदा कर देते हैं. जैसे डायरिया इसी टाइप का रोग है जो हाउस फ्लाई के कारण जनरली होता है बच्चों. ऐसे ही एक पैथोजन है एनाफिलीज मॉस्किटो. बच्चों मच्छर भी हमारे डिजीज कैरियर होते हैं, रोग वाहक होते हैं. जैसे मादा एनाफिलीज जो है इंदर तो कुछ ऐसा रोग फैलाता नहीं है, इट सक्स द जूस ऑफ द फ्रूट्स और फ्लावर एक्सेट्रा. मगर जो है जो एनाफिलीज है, मादा मक्खी है, मादा मच्छर जो है वो जो है मतलब बॉडी से ब्लड लेता है ताकि वो अपने अंदर पल रहे एग को डेवलप कर सके. तो इस तरह से उसने पहले एक इल पर्सन का ब्लड सक किया, फिर हेल्दी का. तो प्लाज्मोडियम जो है, जो प्लाज्मोडियम एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो गया. तो इस तरह से एनाफिलीज मॉस्किटो भी रोग फैलाने में सहायक है और डिजीज कैरियर कहे जाते हैं. एक एडीज मच्छर होता है बच्चों. एडीज मच्छर जो है उसके कारण भी डेंगू बुखार होता है, वायरल होता है जो है. पहले इसका इलाज बड़ा मुश्किल हो गया था, अब हो पॉसिबल हुआ है. तो अब मॉस्किटो का क्या इलाज है भाई, इसके लिए हम मच्छरदानी का यूज करें, मॉस्किटो नेट्स का करके इनकी ब्रीडिंग ना होने दें, इनका जनन ना हो,
जहां पर ठहरा हुआ पानी है उसको ठहरना, क्योंकि हमेशा जो मॉस्किटो है वो ब्रीडिंग करता है, जनन करता है ठहरे हुए पानी में, जहां पानी स्थिर होता है। ठीक है, अब ये रहा कि बच्चों अब आते हैं ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है बच्चों। इस बैक्टीरिया का पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बड़ी स्लो ग्रोथ करता है, एयर के द्वारा ये फैलता है, जैसे स्नीजिंग हो गया तो इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं अदर पर्सन। और इसी तरह से मीजल्स वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, एयर के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स है, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, पोलियो वायरस के द्वारा होने वाला। तो ये 1, 2, 3, 4 जो डिजीज हैं, ये सारी सारी एयर के द्वारा फैलती है, स्प्रेड होती है। अच्छा, इनमें हम क्या एक तरह से प्रिवेंशन रखें कि आइसोलेशन, रोगी को दूर रखना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति से, उसके बिलोंगिंग भी दूर रखने चाहिए, और वैक्सीन का यूज करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, अब है कुछ ऐसे रोग भी हैं जो वाटर बॉर्न होते हैं या फूड बॉर्न होते हैं, ऐसे कौन से, जैसे कोलरा, हैजा बोलते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होने वाला रोग है बच्चों, और हेपेटाइटिस जिसको पीलिया कहते हैं, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये सारे वाटर बॉर्न डिजीज है बच्चों, फूड से भी हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है कि हम व्यक्तिगत सफाई रखें, पर्सनल हाइजीन रखें, कुक्ड फूड यूज करें, रॉ फूड ना करें, बॉइल्ड वाटर का यूज करें, समय समय पर वैक्सीन लेते रहें। इसके बाद मलेरिया, जो प्रोटोजोआ, हमने 5 ग्रुप बताए थे आपको, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी, तो प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया को फैलाता है। इसके कारण ये मॉस्किटो इसका कैरियर है बच्चों, बताया था अभी हमने। मॉस्किटो नेट का यूज करें, बहुत सारे ऑल आउट वगैरह है, प्लांट्स आते हैं, है कंट्रोल द ब्रीडिंग, इनकी जनन ना होने दें, पानी ना रुकाए कहीं भी किसी कंटेनर में। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, बच्चों एनिमल में भी ये रोग होते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एक तरह से मनुष्यों में और जानवर दोनों में बहुत ही घातक बीमारी है। ये कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे हमारी काऊ है, बफेलो है, इनके मुंह और पैरों में एक वायरस लग जाता है जिसको, जिसका नाम है फूट एंड माउथ डिजीज, समझे। तो ऐसी स्थिति में इनका कोई खास इलाज तो होता नहीं है बच्चों, इसमें क्या करते हैं हम कि एक तरह से इन फिटकरी, गर्म पानी डालना पैरों पर, मुंह पर एक तरह से गर्म पानी डालना, तो इस तरह से वायरस का थोड़ा ये है कि उनको राहत मिल जाती है इससे, समझे। जनरली देखते हैं कि पशुओं में, जो हमारे डोमेस्टिक पशु होते हैं उनमें ये खुरपक्का और मुंह पक्का की बीमारी इन्हें कहा जाता है बच्चों। एक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट, ये बच्चों यहां पर जो है एनिमल हमें और लिख लेंगे, ठीक है, एनिमल्स। तो अब क्या है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, पौधों में भी एक रोग फैलता है इनके द्वारा, जैसे सिट्रस कैंकर, यानी कि ये कैंसर जैसा रोग है एक तरह से, जैसे कैंसर ठीक नहीं होता ऐसे ये बीमारी भी ठीक नहीं होती, बैक्टीरियल डिजीज है और एयर बॉर्न होती है, तो ऐसे पौधों को अपरूटेड किया जाए। जो हम नींबू लाते हैं उनमें ब्राउन कलर के स्पॉट देखे जाते हैं, दैट इज द सिट्रस कैंकर। रस्ट ऑफ व्हीट, बच्चों ये पहले तो लोग बहुत ही देवी देवताओं की पूजा करते थे इस रोग को ठीक करने के लिए, जब तक जानकारी नहीं थी इस पर, जैसे गेहूं है, जहां गेहूं आता है यानी फीट आता है वहां पर काले भूरे रंग का चूर्ण बन जाता है, पाउडर बन जाता है, फंगल डिजीज होती है, व्हाइट स्मस्ट भी कहा जाता है इसको, एयर से भी हो सकती है, सीड से भी हो सकती है, फैल सकती है, तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं हम, है सल्फर युक्त मेडिसिन का युक्त। येलो वेन मोज़ेक ऑफ द भिंडी, कई बार वायरसों के नाम फसल के आधार पर ही लिख लिए जाते हैं बच्चों, ये वायरस से होने वाला रोग है और इंसेक्ट से ये स्प्रेड होता है। अब लास्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक सब्सटेंस, बच्चों कई बार क्या होता है कि भोजन को हम ऐसे ही रख देते हैं,